क्वेश्चन कैसा था? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। जीके का क्वेश्चन कैसा था? जीके का क्वेश्चन इजी ही था। कुछ याद है क्या था? हाँ, एक नृत्य से था, पॉलिटी से था, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है वो कितने नंबर आर्टिकल में है। हाँ, नृत्य से एक आया था, मोंडरी नृत्य कहाँ का है। हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आया था। एंशियंट से या मॉडर्न से? एंशियंट से ही आया था। हाँ, स्टैटिक जीके वगैरह का था कुछ क्वेश्चन? हाँ, स्टैटिक जीके में ही से था, हिस्ट्री से। पहाड़ वगैरह से? पर्वत पहाड़ से नहीं था, एक मंदिर से था, मिलान करने वाला कि मंदिर कहाँ कहाँ का है, वहीं से मंदिर से था। कैसा रहा पेपर भैया? अच्छा है। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन इजी मॉडरेट। इजी मॉडरेट था। इंग्लिश का पेपर कैसा था? इंग्लिश का सबसे टफ में जीके का था। जीके का था। उससे थोड़ा सा इजी करें तो इंग्लिश था, उससे थोड़ा सा मतलब इजी पे जाएं, रीजनिंग सबसे ज्यादा इजी था। इजी था। किस चैप्टर से ज्यादा रीजनिंग? लेवल ही नहीं था रीजनिंग का। रीजनिंग का तो कोई लेवल ही नहीं था। बहुत इजी था। बहुत 25 में से 21 क्वेश्चन ना, 21 से 22 क्वेश्चन वो बना लड़का बनाएगा जो कभी रीजनिंग पढ़ा ही नहीं है। किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन था रीजनिंग? मतलब कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट वाला उससे ज़्यादा था, उससे उसके बाद फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट टाइप का जो आता है वो वाला, और एक मतलब ब्लड रिलेशन से वो ऐसा वाला था कि मतलब इक्वेशन वाला जो ब्लड रिलेशन होता है वो भी बहुत इजी, मतलब ऐसा नहीं था कि सोचना पड़ रहा है उसके। और मैथ भी जो था ना, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा था जो कैलकुलेटिव था, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, वो भी ऐसा था कि जैसे यूनिट डिजिट देख के आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमको करना ही पड़ रहा है। किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन था मैथ? मैथ में जो आ रहा है ना, मतलब सब मतलब मिला हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है, सब चैप्टर में मिला हुआ है। सबसे इजी रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश जैसे पैसेज वगैरह था एक, तो वो भी बहुत इजी था। पहले क्या होता था, पैसेज वगैरह जो आता था ना पढ़ने में डिफिकल्ट होता, अभी बहुत ज़्यादा बहुत इडियम्स वगैरह सब ऑप्शन से बनने वाला, ऐसा नहीं कि बहुत। पहले बार क्या होता था कि साइनो पूछता है ना तो 2-4 साइनो ऐसा दे देता है जो उससे मिलता जुलता, अब दे रहा है 4 साइनो पूछा ना तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो एंटो दे रहा है, एगो साइन उसका साइन दे रहा है, एलिमिनेट पूरा ऑप्शन से बनने वाला सब क्वेश्चन। हाँ, एक आईपीएल से था कि मतलब ऑरेंज कैप कौन लिया, एक खेल से रिलेटेड था, उसके बाद स्टैटिक्स से मतलब डांस से पूछा गया था, एक शिव कुमार शर्मा जो है म्यूजिकल जो है उनसे एक क्वेश्चन था, तो वो तो वही पुराना। हाँ, उसके बाद रुक्मिणी देवी जो डांसर है उनसे पूछा गया था कि उनको कब पद्म भूषण अवार्ड मिला, बस यही सब। और खेल से एक क्वेश्चन आईपीएल से, करेंट में, करेंट में एक क्वेश्चन और था, करेंट में थोड़ा याद नहीं आ रहा, बट एक करेंट में बस 2 क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 86। थैंक यू भैया। आइए, कैसा रहा पेपर भैया? पेपर तो अच्छा ही गया। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन देखिए मॉडरेट और इजी भी था, दोनों था। बीनू पांडे सर से यूट्यूब पे बोलिए कैसा था? जिसे जीके जीएस देखा जाएगा तो उतना कोई हार्ड नहीं था, और उसके जिसे मैथ जो रिवीजन किया होगा उसके लिए बहुत बेटर है। हम भी उसमें अटेम्प्ट किए हैं, 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक समझ गए। इंग्लिश भी ठीक था, रीजनिंग थोड़ा इतनी था, एक दो क्वेश्चन ऐसा था कि जिसको बनाने में थोड़ा, हाँ एक दो को क्वेश्चन कोई खास नहीं था। लोग बोल रहे हैं कि जीके जीएस टॉप था। नहीं, जैसे देखिए एक पूछा था, जैसे दक्षिणी भारत में कौन सा मंडप मंदिर बनाया गया था वो पूछा था, फिर से जैसे अभी जैसे हम लोग का पर्पल कैप मिलता है ना पीला, आईपीएल वाला में, वो भी पूछा था। एक और क्वेश्चन पूछा था, जैसे और 2-3 और क्वेश्चन पूछा था, इकोनॉमी से 2-3-4 क्वेश्चन दिखने को मिला था उसमें। उसके बाद सब मैंने सब सिलेबस मिला कर रहा था क्वेश्चन। अच्छा, मतलब इंग्लिश का पेपर कैसा था? हाँ, इंग्लिश भी अच्छा था, उसमें जैसे इतनी ज़्यादा पूछा था, जैसे पीएसआर की क्वेश्चन होता है ना, जैसे स्टेटमेंट सजाने वाला, वो क्वेश्चन 3-4 ठो मिला था। उसके बाद ग्रामेटिकल से इरर भी मिला था, जैसे सेंटेंस वाइज कर उसमें दे रहा है साइनो और एंटो को, मतलब पकड़ाने जैसा। हाँ, जैसे उसमें सेंटेंस में दे दे रहा है, इसका उसकी उसी सेंटेंस से वर्ड निकाल करके उसी को साइनो ने पूछ एंटो ने पूछ रहा है, मतलब ईजी आ रहा है। हाँ, उसमें जैसे पढ़िएगा तो ईजी लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो हार्ड लगेगा भैया। सब कुछ रीजनिंग लेंदी था या बने? नहीं, बढ़िया था क्वेश्चन, एक दो को था उसमें, जैसे ब्लड रिलेशन का होता है ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा बात नहीं है सर। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? हमारा तो 75 रहा। 75 जी। पिछले बार एग्जाम दिए थे? नहीं, फर्स्ट बार लिए हैं अभी। कैसा आपके लिए पेपर कैसा रहा? हमारे के लिए तो बहुत कैसा था, सब आसान था, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम टेकन था। जीके क्वेश्चन कैसा था? जीएस का? जीके, हाँ
जीके का हमको लगता है सबसे टफ था, मतलब कुछ भी